गैस हमने जला दिया है, कढ़ाई हमने रख दिया है, इसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला है। अब हम डालेंगे 2 चुटकी मेथी, इसको हम अच्छी तरह चटका लेंगे। मेथी हमारी चटक गई है और हमने ले रखा आधा बाउल मिर्ची, इसको हमने ऐसे बीच से फाड़ दिया, अच्छी तरह धो के सुखा लिया है। अब हम इसको इसी में डाल देंगे। गैस हमने धीमी कर रखा, नहीं तो मिर्ची जो है वो चटकती है थोड़ा सा। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक आधा चम्मच, इसको हम ढक देंगे सॉफ्ट होने के लिए। हेलो, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मिर्ची हमारी ज़्यादा गली रही है, अभी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुई है। इस टाइम पर आप आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ पीस के डाल सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार। इसके साथ साथ अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर पाउडर हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है आम का मसाला रखा हुआ है। ये अचार हमारा बहुत चटपटा अचार बनेगा, झटपट बनता है, इसको महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। बरसात में हरी मिर्चियाँ बहुत आ रही हैं, आप लोग बनाएं और खाएं। इसको दाल के साथ, सब्जी के साथ, पूड़ी पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बच्चों के लंच में दे सकते हैं। अब इस टाइम पर हमारे पास अचार का मसाला रखा है, ये अचार का मसाला कभी भी नहीं फेंके। अब हम इसको डाल देंगे, हमने बंद कर दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह मिला देंगे। अगर अचार का मसाला है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप हर चीज़ डाल सकते हैं जो हमने बताया है वीडियो में। अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए। अचार हमारा बन गया है, बहुत अच्छा अचार है, बहुत टेस्टी अचार बना है। इसको आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इस अचार को बच्चे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। ये अचार बहुत अच्छा है, आप लोग बनाएं और बरसातों में इसको इंजॉय करें, क्योंकि आजकल हरी मिर्ची बहुत अच्छी आ रही है। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि अचार कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें।